ईडी ने रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को तलब किया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। सर ईडी जान से मार दोगे। उनके फादर ने कहा जो आपने तो इंद्रजीत चक्रवर्ती को का स्टेटमेंट हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ईडी ने इंद्रजीत चक्रवर्ती को समन भेजा था और इसके बाद वो घर आए दस्तावेज लेने के लिए भी। तो देखिए ये तीन अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं जो अभी जांच कर रही है मामले में। एक तरफ ईडी, दूसरी तरफ सीबीआई और तीसरी तरफ नारकोटिक्स ब्यूरो की भी एंट्री हो चुकी है। लेकिन रिया चक्रवर्ती के परिवार पर नेहा देखिए यहाँ पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। सीबीआई कर रही है शौविक से पूछताछ और ईडी कर रही है इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ। बिल्कुल, और इस पूरे मामले में लगातार हम आपको तस्वीरें और अपडेट्स दे रहे हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर किस तरह की हलचल है, रिया चक्रवर्ती के घर पर जहां पर उनके पिता पहुंचे थे दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए, वहां पर जब उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जाहिर तौर पर जबरदस्त दबाव इस वक्त परिवार पर और लगातार उनसे सवाल किए जा रहे हैं मीडिया के लोगों की ओर से, लेकिन यहां पर कुछ भी कहने से बचते दिखाई दिए इंद्रजीत चक्रवर्ती। रवि नंबर ले, गाड़ी का नंबर ले। रवि रवि, अरे देखो जो बोल रहा हूँ गाड़ी का नंबर ले, गाड़ी का नंबर ले पहले। ले लिया, ले लिया ना, पूरा नंबर दिख रहा है। ठीक है चल, वो सारा बताएगी ब्लैक जादू कैसे करते थे उनके ऊपर। यही ब्लैक मैजिक होता था। कितने कितने दिनों तक हुआ था? 3 महीने तक हुआ है। 3 महीने तक हुआ है। और इस बीच आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि रिया चक्रवर्ती के पिता ने क्या कुछ कहा। इंद्रजीत जी जवाब दीजिए, विद्या हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से मौजूद हैं। रिया के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, कहां पर है इस वक्त रिया? देखिए इस वक्त ज्यादा जानकारी इसी बात की है कि उनके जो पिता हैं
वो इस वक्त घर पहुंचे और सीधा उन्होंने कहा कि अब जान ही ले लो तुम लोग, और उसके बाद वो चले गए घर पे। उन्होंने साफ बात करने से मना कर दिया, लेकिन जाहिर सी बात है परिवार जब घर आया है, जब अपने वो घर पहुंचे हैं, ज़रूरी काम के लिए वो पहुंचे थे। इसके साथ ही जैसे ही वो अंदर घुसे, मीनाक्षी मैं आपको बता दूँ नेहा कि जैसे ही वो अंदर घुसे थे वैसे ही दो महिलाएं और घुस गई घर के अंदर और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया सीधे रिया के पिता के ऊपर और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के आरोप लगाया कि तुम लोग पहले से ब्लैक मैजिक करते थे, हमें ये बात पता थी, हम इस बात की जानकारी हमें थी। और जो चिल्लाया है इन्होंने यहाँ पर पूरी सोसाइटी में, इनको सिक्योरिटी गार्ड को आखिर बाहर निकल के उन्हें उन दोनों महिलाओं को बाहर निकालना पड़ा। इस तरह से चिल्लम चिल्ली यहाँ पे हो गई थी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो दो महिलाएं आरोप लगा रही थीं कि उन्हें पहले से पता था। उनका कहना है कि सुशांत बहुत अच्छा लड़का है, वो उनसे मिल भी चुकी थी और वो उन्हें बहुत लाइक करती थी, लेकिन जो रिया के जो मेड्स हैं यानी कि उनके घर में जो काम करती हैं महिला उनसे और उनके पड़ोसियों के जरिए ये जानकारी उन्हें मिली थी कि ये लोग ब्लैक मैजिक करते थे। तो जब हमने उनसे पूछा कि अगर उन्हें ये जानकारी थी तो उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया, तो उनका यही कहना था कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग मार डालेंगे सुशांत को। जब उनको पता लगा कि सुशांत की डेथ हो चुकी है तब से उनके दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन जब हमने उनसे पूछा पुलिस के पास तो जाया ही जा सकता था, तो उनका कहना था कि पुलिस पर उन्हें यकीन नहीं था। ये सब बातें हुई और उसके बाद उन दोनों महिलाओं को सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर निकाल दिया। तो इस तरह की घटनाक्रम यहाँ पे इस वक्त हो रही है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस वक्त यहाँ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शौविक के पिता इस वक्त घर पहुँचे हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास विद्या। इस बीच आपको दिखा देते हैं कि दरअसल रिया के पिता जब अपनी बिल्डिंग में दाखिल होते हुए तब उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम आपको सुनवा रहे थे। ये वो महिला जिसने ये आरोप लगाया परिवार पर कि काफ़ी लंबे वक्त से चक्रवर्ती परिवार ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व था और इसके बारे में मेड को पूरी जानकारी है और ज़्यादा इस पर मेड ही बता सकती है। वो सारा बताएगी ब्लैक जादू कैसे करते थे उनके ऊपर। यही ब्लैक मैजिक होता था। कितने दिनों तक हुआ? 3 महीने तक हुआ है। 3 महीने तक हुआ है। कौन कौन लोग थे शामिल? आप देखा आपने कि सुशांत की फैन है और यही बताना विद्या, ये जो महिला ब्लैक मैजिक का आरोप लगा रही है इनकी पहचान हो सकी है? कौन है ये? पड़ोसी है चक्रवर्ती परिवार की? जी नहीं, ये पड़ोसी नहीं है, ये पास के ही है। हम जो रिया का जो घर है ये सांताक्रूज में है। ये जो दो महिलाएं हैं ये खार में रहती हैं जो कि बगल का इलाका है और वहाँ से ये लोग आई थी ये दोनों महिलाएं और बहुत बड़ी फ़ैन लगती हैं सुशांत सिंह राजपूत की, जिसकी वजह से जिस आक्रोश से वो अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी उससे तो यही लग रहा था कि वो बहुत नाराज़ हैं पूरे परिवार से। रिया परिवार को वो दोषी मानती हैं ऑलरेडी और इसी वजह से वो यहाँ आके पूरे परिवार पर एक ये कह लीजिए एक अटैक का जैसा कर दिया उन्होंने। इतना ज़्यादा चिल्लाया उन्होंने कि सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्हें बाहर करना पड़ा, लेकिन उनका यही आरोप था बार बार कि रिया की जो माँ है वो कुछ पाउडर, काला कलर का पाउडर कुछ डालती थी, उसे बूंद बूंद रिया को पिला के जो जहर है उनको पागल करार करवाना चाहती थी, उस पर ब्लैक मैजिक कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत पर। और ये सारे आरोप उन्होंने लगाए और यही जब उनसे पूछा गया कि भैया पुलिस के पास क्यों नहीं गई जब आपको बहुत पहले ये जानकारी थी, तो उनका यही कहना है कि हमको पुलिस पर यकीन नहीं है इसलिए हम नहीं गए थे। तो ये तमाम चीज़ें हुई थी और यही वजह है कि फिलहाल जो घर है वहाँ फिलहाल ताला लग गया है, जो पिता हैं वो घर के अंदर चले गए। इतना ज़्यादा हंगामा सुन के वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और यही वजह है कि वो इस वक्त घर के अंदर चले गए हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास विद्या। यहाँ पर 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से लगातार ये घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहा है। शौविक को तलब किया गया, उनके पिता को तलब किया गया, दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, दस्तावेज मांगे जा रहे हैं क्योंकि 3 जांच एजेंसियां इस वक्त काम में लगी हुई हैं। CBI है, ED है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है और ये सभी अपने अपने ढंग से पूछताछ कर रही हैं।
सुशांत केस में सनसनीखेज खुलासों की कड़ी में हम उस शख्स की बातचीत आपको सुनवाते हैं जो साय की तरह सुशांत के साथ मौजूद था, आज तक ने सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड का स्टिंग ऑपरेशन किया। बॉलीवुड में नशे के जिस सिंडिकेट पर सवाल उठ रहे हैं, उसका सुशांत सिंह राजपूत किस कदर शिकार होते चले गए, इसका खुलासा किया है उनके पूर्व बॉडीगार्ड ने। वो शख्स जो साय की तरह सुशांत के साथ होता था, वो आज तक पर बता रहा है कि नशे की गिरफ्त कितनी गहरी थी। उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे। क्रिकेट में भर के कुछ वैसा लेते थे। आपको लेते थे। सभी लेते थे। सभी रूम पे तो और भी जनते लेते थे। नहीं तो आपको कैसे पता कि चरस गांजा ले रहा है? मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ, तो पता चलता है। यहीं से जाता होगा? नहीं, यहाँ से तो नहीं। सुना मैं ये था कि बहुत महंगा आता था वो, और मैंने ये बात भी एक बार किया था। मैं बोला था कि इतना पियेंगे अच्छा नहीं करके। बोला आपने सुशांत को? मैंने उनको नहीं बोला, दूसरे को बोला। मतलब इतना पीना अच्छा नहीं करके, सारे आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा धीरे धीरे। तो एक बंदे ने बोला, बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है ये, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है, इंडियन नहीं है, ऐसा बोला। कहाँ से आता था ये पता नहीं, कभी पता करने की कोशिश भी नहीं की। इनका मैनेजर कौन था जो इनके काम सारे देखता है? वो कुशाल जोहरी। कुशाल जोहरी। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को मुश्ताक शेख ने बताया कि वो साल 2018 से फरवरी 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत का बॉडीगार्ड था। वहीं पूर्व बॉडीगार्ड साफ साफ कह रहा है कि सुशांत चरस गांजा लेते थे। मुश्ताक ने ये भी खुलासा किया, ये चरस गांजा इंडिया से नहीं बल्कि बाहर से आता था। लेकिन मुश्ताक ये भी बताता है कि उसने सुशांत को कभी डिप्रेशन में नहीं देखा। आपने कभी इनको डिप्रेशन में देखा कि पिछली गर्लफ्रेंड इनको छोड़ गई है, नहीं परेशान है, वैसा नहीं। दारू पी रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं? वैसा नहीं, तरस चलता था इनको। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख जो जो खुलासे कर रहे हैं, यकीनन वो सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए अहम सबूत बन सकते हैं। मुश्ताक ने आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को बताया कि सुशांत को चरस कौन देता था, उसका नाम भी मुश्ताक शेख ने आज तक के खुफिया कैमरे पर लिया। वो कितने टाइम तक रहा चरस? तो कौन बना होगा वो चरस? वो एक बंदा था, अब्बास, ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ, जो स्टाफ थे ना दो तीन लोग, वो लोग बनाते थे तम्बाकू में कुछ बनते हैं। स्टाफ के सभी लोग फ्रेंड थे सिगरेट बनाने? हाँ, वो लोग दो चार लोग को आता ही था। हम लोगों को ये बस ध्यान बोलते थे, मैनेजर भी और दूसरे भी, ये ध्यान रखो कि गाड़ी में कभी रहे नहीं, कभी कोई चेकिंग वेकिंग हुई तो पता जा सके, गाड़ी में कभी ध्यान रखो, चरस भी रहनी चाहिए। पूर्व बॉडीगार्ड का एक एक खुलासा ये साबित कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत नशे के घेरे में पूरी तरह से कैद हो गए थे। इसके लिए खुद सुशांत जिम्मेदार थे या इसके पीछे कोई साजिश थी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब नशे के एंगल की जांच करेगा तभी सारे खुलासे हो पाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।